नमस्ते दोस्तों। तो इतनी सारी लर्निंग्स को साथ लेते हुए और इतने सारे महत्वपूर्ण ज्ञान को समेटे हुए हम फाइनली पहुंच गए हैं इस मॉड्यूल के आखिरी टॉपिक पर, जहां हम बात करेंगे एंटरप्राइजिंग के बारे में। एंटरप्राइजिंग स्पिरिट अपने अंदर लाने के लिए क्या करना है और इस स्पिरिट को कैसे अपने अंदर बरकरार रखना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू मेंटेन एंटरप्राइजिंग स्पिरिट। तो इस भाग में हम एंटरप्राइजिंग का व्हाट टू डू वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो इनिशिएटिव के बारे में काफी चीजें जान ली हैं हमने, आपको समझ तो आई है ना सारी चीजें। अच्छा, तो क्या किसी ने सोचा, हमने ये मॉड्यूल शुरू करते समय इसके टॉपिक में दो टर्म्स का जिक्र किया था। पहला तो इनिशिएटिव था, जिसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। दूसरा क्या था? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला, दूसरा टर्म था एंटरप्राइजिंग। तो अब आपसे मेरा अगला सवाल, बताइए क्या होता है एंटरप्राइजिंग और क्या होते हैं एंटरप्राइजिंग स्किल्स? सोचिए और बताइए, अपनी नोटबुक में लिखिए। तो एंटरप्राइजिंग स्किल्स का मतलब है व्यवहार कौशल, आपने इनिशिएटिव लेने की टेंडेंसी को और अपने रिसोर्सफुलनेस यानी कि अपनी उपयोगिता को वर्कप्लेस पर हाईलाइट करना ही एंटरप्राइजिंग है। एंटरप्राइजिंग स्किल्स उन लोगों में होते हैं जो कि मार्केट और अपनी इंडस्ट्री को भली भांति समझते हों और बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कदम उठा सकते हों। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, ये सब एंटरप्राइजिंग स्किल्स का ही हिस्सा है। तो अब बात करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के बिहेवियर एंटरप्राइजिंग स्किल्स के अंतर्गत आते हैं और अपने एंटरप्राइजिंग स्किल्स दिखाने के लिए और उन्हें और इन्हांस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आइए पहले रीड कर लेते हैं। ये स्लाइड कहती है दैट यू नीड टू अडेप्ट टू द वैल्यूज लिस्टेड एंड फॉलो देम एवरी डे। Each business lists the qualities they want in the people they hire. When you get hired, there is already some match of these qualities. तो हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज होती हैं, राइट? जिसको वो लोग मानते हैं, जिनमें वो ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है और चाहती है कि उनके इम्प्लॉयज और एसोसिएट्स में वो वैल्यूज हों। ये वैल्यूज हो सकती है रिलायबिलिटी यानी कि विश्वास पात्रता, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, एफिशिएंसी हो सकती है ये वैल्यू, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता भी हो सकती है ये वैल्यू। तो बस जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो जिन भी वैल्यूज में विश्वास करती है, उन वैल्यूज को आप ध्यान में रखिए और अपने काम में डेली उन्हें फॉलो कीजिए। वैसे तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है ना, इसका यही मतलब है कि जब वो आपको नौकरी दे रही है तो ऑलरेडी आपने जरूर उस कंपनी की कुछ लिस्टेड वैल्यूज से मिलती जुलती वैल्यूज हैं, तभी उन्होंने आपको हायर किया है ना? तो क्या करना है? यू नीड टू वर्क एंड शोकेस देम फर्दर इन योर एटीट्यूड एंड वर्क। बी द रोल मॉडल ऑफ द वैल्यूज बाय शोइंग देम इन योर बिहेवियर। व्हेन दैट हैपेंस यू आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर एक्सीलेंट एटीट्यूड एंड सपोर्टेड फॉर मोर थिंग्स। क्या कहती है ये स्लाइड? कि जब आप वो वैल्यूज आपके अंदर हैं तो अब आगे आपको क्या करना है? वो बोल रही है कि बस हायर हो जाने के बाद इतना ही काम करना है कि आप अपने काम के जरिए ये दर्शाते रहिए कि ये वैल्यूज आपके अंदर हैं। एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे हम काफी बार दर्शाना शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। तो दर्शाना शब्द का ये मतलब नहीं है कि उन वैल्यूज को आपको फेक करना है या फिर उन वैल्यूज को प्रिटेंड करना है। यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि अपनी वर्किंग एटीट्यूड में, अपने काम करने के तरीके में कंपनी की उन वैल्यूज को आपको शामिल करना है, अपने अंदर उन वैल्यूज को इनकलकेट करना है आपको। अपने बिहेवियर को इस प्रकार का बनाएं कि यही कोशिश रहे आपकी कि दूसरे एम्प्लॉयज या फिर जो भी जूनियर एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो आपके बिहेवियर को आदर्श मान सके, आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखें और आपके जैसा बनने की कोशिश करें, आपके जैसा काम करने का प्रयास करें। जब ऐसा हो जाए तो आप जान जाइए कि आप एंटरप्राइजिंग बिहेवियर पूरी तरह से सीख चुके हैं। आप अपने प्रोफेशनलिज्म और अपने इनिशिएटिव और एंटरप्राइजिंग स्किल्स के लिए जाने जाएंगे जब ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद बेहतर काम करने के मौके मिलने लगेंगे और आपको ज्यादा और ज्यादा इनिशिएटिव्स लेने के लिए सपोर्ट मिलने लग जाएगा।
तो ये तब होगा जब आपके अंदर एंटरप्राइजिंग स्किल्स होते हैं। तो मुझे आशा है कि इस भाग को सुनने और समझने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि एंटरप्राइजिंग स्किल्स क्या होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्राइजिंग स्किल्स को प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो अब अगला भाग, जो कि हमारे इस मॉड्यूल का इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजिंग मॉड्यूल का आखिरी भाग होने वाला है, उसमें हम जानेंगे एंटरप्राइजिंग का दूसरा पार्ट, जो कि है हाउ टू मेंटेन एंटरप्राइजिंग स्पिरिट एट वर्क। तो मिलते हैं अगले भाग में, धन्यवाद।